क्योंकि कन्हैया अपर कास्ट है तो उसे 50 लाख का मुआवजा और दो नौकरियां दी जाएंगी। इंद्र मेघवाल जो वही कांग्रेस की सरकार है लेकिन इंद्र मेघवाल एक दलित बच्चा है उसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अपराजुल का केस देखिए, इसी राजस्थान में इसी कांग्रेस सरकार में उस बंगाली मजदूर को, एक मुसलमान मजदूर को काट दिया गया, जिंदा काट दिया गया और उसके बाद फेसबुक लाइव हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उसके परिजनों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। इंद्र मेघवाल का केस ऐसा केस नहीं था कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें पता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनको उनका जो है वो उस चीज को बड़े पैमाने पर उठाया जाए या उस सवाल को एड्रेस किया जाए, क्योंकि उससे उनका वोट बैंक पर असर पड़ेगा। वो दलितों के हितैषी होने का दावा कर सकते हैं, वो आकर के उनके पैर धो सकते हैं, वो आदिवासी को प्रधान राष्ट्रपति बना करके दावा कर सकते हैं कि हम कितने हितैषी हैं, लेकिन उनके हकों की जब बात आएगी उन्हें वो नहीं देंगे। सरस्वती शिशु मंदिर हो, आदर्श विद्या मंदिर की जो पूरी आरएसएस की शाखा, ये जातिवाद के गढ़ है, ये उसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं और ऐसे में इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके के संस्थानों पर लगाम लगाई जाए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर और हमारे साथ हैं जितेंद्र मीणा जी। तो जितेंद्र मीणा जी, जिस तरीके से राजस्थान में एक घटना घटती है कन्हैया लाल की, और वहीं जब ये घटना घटती है इंद्र मेघवाल की, तो दोनों में जो समानता आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से समानता जो है दिखाई गई है, दोनों की जो हत्याएं कर दी गई, लेकिन इसमें जो अंतर अब जो बांट दिया गया है, एक तरफ दलित और एक तरफ कन्हैया लाल, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें एक दो उदाहरण और आप जोड़ लीजिए। आप इसमें साथ साथ लखनऊ के भीतर जो राजीव तिवारी का केस हुआ था एरिया मैनेजर का, उसको भी शामिल कर लीजिए। आप इसमें हाथरस को भी शामिल कर लीजिए तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेंगी। दो अलग अलग सरकार है, एक तरफ बीजेपी की सरकार है, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है। आप दोनों को देखिए, कन्हैया लाल के केस में क्योंकि कन्हैया अपर कास्ट है तो उसे 50 लाख का मुआवजा, दो नौकरियां दी जाएंगी। इंद्र मेघवाल जो वही कांग्रेस की सरकार है लेकिन इंद्र मेघवाल एक दलित बच्चा है, उसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरीके से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में देखिए कि एरिया मैनेजर लखनऊ का जब मारा जाएगा, उसके परिवारजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, लखनऊ के भीतर घर और उनकी मैडम को ओएसडी की नौकरी दी जाएगी। वहीं जब हाथरस का केस आएगा तो पीड़िता को जबरदस्ती पेट्रोल डाल के जला दिया जाएगा। ये इस बात को बताता है कि दोनों सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उन सरकारों के भीतर जाति बहुत कूट कूट करके भरी हुई है। जातीय जो आधार पर जो भेदभाव है वो कूट कूट करके भरा हुआ, उनके भीतर का सामंती जो नोशन है वो बहुत कूट कूट करके भरा हुआ है। इसीलिए वो जाति देख करके, वो नाम देख करके, वो चेहरा देख करके ट्रीटमेंट करते हैं। सेम अगर क्राइम भी है, सेम अगर पीड़िता है, तब भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है, हमने लगातार देखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अफराजुल का केस देखिए, इसी राजस्थान में इसी कांग्रेस सरकार में उस बंगाली मजदूर को, एक मुसलमान मजदूर को काट दिया गया, जिंदा काट दिया गया और उसके बाद फेसबुक लाइव हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उसके परिजनों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। यही कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि वो मुसलमान था, यहाँ दलित है, वहाँ अपर कास्ट है। तो एक अंतर आपको देखने को मिलेगा कि सरकारों के भीतर जो जाति है वो जाति बहुत मजबूत है। वो इसीलिए मजबूत है क्योंकि सरकारों में उनके लोग हैं, हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोग हमारे मौजूद हैं वो अपने मुंह पर जो है टैप चिपका करके बैठे, वो कभी अपने समाज के साथ नहीं खड़े होते और इसीलिए ये चीजें घट रही हैं। जी, सरकारें तो लगातार दावा कर रही है, यही मोदी जी की मैं बात कर देती हूँ, कहती है कि जातिवाद जो है अब खत्म हो चुका है, हम लोग सब में समानता रखते हैं, सबका विकास हो रहा है और सबको साथ लेके चलते हैं। देखिए, मोदी जी तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो मोदी जी तो महंगाई को लेकर भी कहते हैं, गरीबी को लेकर के भी कहते हैं, बेरोजगारी को लेकर के भी कहते हैं, ऐसी चीज़ें है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मोदी जी की तो बात बहुत स्पेशल केस है मोदी जी को। लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात करते हैं, मोदी एज ए इंडिविजुअल अलग है, प्रधानमंत्री की जब बात करते हैं तब उन्हें पता होना चाहिए कि इस देश में जाति एग्जिस्ट कर रही है, और अगर नहीं पता है तो उनके सलाहकार जो लोग हैं उनको बदल देना चाहिए, उनको जो लोग सलाह दे रहे हैं, जो लोग उनको रिपोर्ट करते हैं, जो एजेंसीज के जो लोग, उन्हें बदल देना चाहिए, कि उन्हें नहीं पता है कि इस देश में जातिवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लगातार देख रहे हैं, इंद्र मेघवाल का केस ऐसा केस नहीं था कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें पता है,
लेकिन वो नहीं चाहते कि उनको उनका जो है उस चीज़ को बड़े पैमाने पर उठाया जाए या उस सवाल को एड्रेस किया जाए, क्योंकि उससे उनका वोट बैंक का असर पड़ेगा। वो दलितों के हितैषी होने का दावा कर सकते हैं, वो आकर के उनके पैर धो सकते हैं, वो आदिवासी को राष्ट्रपति बना करके दावा कर सकते हैं कि हम कितने हितैषी हैं, लेकिन उनके हकों की जब बात आएगी उन्हें वो नहीं देंगे। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लगातार इस तरीके का दोहरा ट्रीटमेंट हमारे देश में मिल रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार झूठ बोला जा रहा है। जी सर, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव चख रहे हैं लोग, लेकिन वहीं इंद्र मेघवाल के साथ ये हो जाता है। और यहाँ पर 16 अगस्त को जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है जुटते हैं, लेकिन जब कन्हैया लाल जैसी जब हत्या को अंजाम दिया जाता है पूरे देश में हो हल्ला मच जाता है, लेकिन जो बहुजन समाज है जो इंद्र मेघवाल का हुआ बहुजन समाज कहीं नहीं दिखता है। देखिए ऐसा नहीं है, अब बहुजन समाज भी अपनी आवाज़ उठा रहा है, लगातार उठा रहा है। इंद्र के केस में भी हमने देखा, जितेंद्र मेघवाल के केस में भी देखा। हाँ ये बात अलग है कि गोदी मीडिया में उसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। गोदी मीडिया को वहाँ से कोई पॉपुलरिटी नहीं मिलेगी, वहाँ से TRP नहीं मिलेगी, उससे कोई पैसा वो बना नहीं पाएंगे, इसीलिए वो इस सवाल को नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आंदोलन हो रहा है, लगातार लोग सड़क पर है, लड़ रहे हैं। आज भी 16 जब अगस्त को हम लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं तो यहाँ पे भी इंद्र मेघवाल को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर भी चल रहा है, कल UP में भी हुआ था, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं लगातार, ये बात अलग है कि आपका मेन स्ट्रीम जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम कहा जाता है वो उस पर जो है चुप है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बेहद ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारी ये आवाज़ें उठ रही, इन सबको अब एकजुट करने की ज़रूरत है, इनको एक पॉलिटिकल आवाज़ देने की ज़रूरत है। हमारी कहीं लेख है तो वो एक है कि हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पास नहीं है, उसका खामियाजा हमें बार बार उठाना पड़ता है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, उसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ता है। अदरवाइज लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, वो जीत रहे हैं, हमने किसान आंदोलन जीता, हमने STSC एट्रोसिटी एक्ट में जो फेरबदल था उसके खिलाफ लड़ाई जीती, हमने जो है रोस्टर आंदोलन को जीता, हमने और भी तमाम लड़ाइयाँ जीती हैं और हम लगातार लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। और यही इस बात का सूचक है कि आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा तबका हो, ये जो पूरा बहुजन तबका है, माइनॉरिटी को भी बात करें, वो असर्ट कर रहा है, वो लड़ रहा है और वो इस हुकूमत से लड़ रहा है जिसे कहा जाता है प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन उसको भी हमने जो है बार बार झुकते हुए और झुकाते हुए देखा है। जी तो सर, जिस तरीके से शिक्षा संस्थानों में, चाहे रोहित वेमुला को ले लीजिए, वो भी शिक्षा संस्थान में उसके साथ इस तरीके का घटना होती है, ये भी शिक्षा संस्थान है, यहाँ पर इस तरीके की घटना हो जाती है और जो टीचर है वो इस तरीके की घटना कर देता है, तो शिक्षा संस्थानों में भी अब जो है लगातार इस तरीके की वारदातें हो रही है। देखिए शिक्षण संस्थान कोई आइसोलेशन में नहीं है, शिक्षण संस्थान भी इसी प्लेनेट के हिस्से हैं, शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग इसी समाज से आते हैं, और जाहिर सी बात है जब वो समाज से आते हैं तो वो चीज़ जाति वो अपनी कैंपस में भी लेकर के आते हैं, और जब वो कैंपस में जाति लेकर के आते हैं तो उस आधार पर भेदभाव को भी प्रैक्टिस करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर हो, आदर्श विद्या मंदिर की, ये जो पूरी RSS की शाखा है, ये जातिवाद के गढ़ हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। और ऐसे में इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के संस्थानों पर लगाम लगाई जाए और जाति को लेकर के कुछ सीरियस कदम उठाए जाए, इस तरीके के भेदभाव के खिलाफ कोई लीगल एक्शंस हो, इस तरीके के भेदभाव के खिलाफ कोई जो है आप कोई रूल ऐसा बनकर के आए कि इस तरीके के लोगों को जो है आप जो है पनिश करेंगे, क्रिमिनल ऑफेंस में डाला जाए और प्रॉपर तरीके से संगठन जो है सरकारें फंक्शन करें, तंत्र फंक्शन करें, और तभी जाकर के सही मायने में हम जो है न्याय दिला पाएंगे। सर, जिस तरीके से, आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से इंद्र मेघवाल को टीचर ने पीटा और वही जो टीचर मुस्लिम होता तो वो मुस्लिम एंगल होता तो क्या ही होता? देखिए वो दरअसल हिंदू और मुसलमान सबसे सुटेबल एजेंडा है जो BJP का है, उसमें वो अगर होता तो वो फिट बैठता और उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ देखिए, आप देखिए कि दलित है यहाँ, अब जब हत्या कर रहे हैं तब वो उनका हिंदू धर्म खतरा नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं कि जब हिंदू मुस्लिम उनकी बाइनरी में करके उनको पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता है, यहाँ वो पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसीलिए वो लगातार इस तरीके की चीज़ों को जो है दबाने की कोशिश की जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ थे जितेंद्र मीणा जी, जिन्होंने जिस तरीके से लगातार जो है दलित समाज के जो बच्चा था, मासूम था, जो जातिवादी जैसे लोगों के भेंट चढ़ गया, जाति को लेकर चलने वालों के जो लोग हैं दिलों में और दिमाग में जातियों को लेकर घूमते हैं उनकी भेंट चढ़ गया, उस मासूम ने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया। सोचिए कि किस तरीके की मानसिकता के लोग अभी तक जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव
दिवसम मनाया जाता है, 15 अगस्त पर जो है झंडा फहराया जाता है लाल किला पर, और मोदी जी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, 1 घंटा भाषण देते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के लिए हमेशा उनकी इज्जत की बात करते हैं, मासूमों की पढ़ाई और शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से एक मासूम जो है एक शिक्षा संस्थान में उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, उसको सिर्फ एक पानी पीने के लिए जो है पानी पीने पर उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है, और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक वो इस तरीके की मानसिकता का, वो जो टीचर रहा होगा वो उसको मारता रहता है। सोचिए इस तरीके की मानसिकता के लोग अभी भी भरे पड़े हैं। यही वो जंतर मंतर है जब यहाँ कन्हैया लाल जैसा जब मुद्दा हुआ था तो जिसमें मुस्लिम एंगल था, तो किस तरीके से यहाँ करोड़ों संख्या में लोग जुटे थे और किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और गोली मारो सालों को इस तरीके के नारे लग रहे थे। तो आप सोचिए वही बहुजन समाज का जब बच्चा है जो भेंट चढ़ जाता है जाति को लेकर चलने वालों के लोगों के अंतर्गत, तो सोचिए आप किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके के बच्चे को भी नहीं बख्शते हैं। इस तरीके से जो लगातार शिक्षा संस्थानों में होता आ रहा है, और एक टीचर यानी कि अध्यापक जो सिखाने के लिए बहुत जो गुरु माना जाता है, सोचिए वो गुरु ही इस तरीके का काम को अंजाम देता है। तो आप सोचिए कि ये आखिर जाति जाति नहीं है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा चंत्र मंत्र।